हेलो एंड नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं. यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था 10 o'clock, तो सुबह के जो काम थे वो ऑलरेडी हो चुके थे, जैसे क्लीनिंग एंड ऑल, वो मम्मी ने थोड़ी हेल्प कर दी थी. एंड यहाँ पर मैंने समर को नहला दिया था और बाकी सब अपने काम में लगे हुए थे. मम्मी सुबह जल्दी ऑफिस चले गए थे, आज उनको बहुत जल्दी जाना था और कुछ इम्पॉर्टेंट काम था उन्हें. एंड पापा यहाँ पर घर पे थे, तो आज हमने प्लान किया था कि थोड़ा घर की क्लीनिंग करेंगे, बिकॉज़ एज़ यू नो कि दिवाली आने वाली है, तो मुझे था कि मैं आ रखी हूँ तो थोड़ा घर को सेट करके जाऊँ. एंड समर को यहाँ मैंने नहला दिया था, मुझे थोड़ा सा कोई फंक्शन था वहाँ पे जाना था, तो मुझे और समर को इनवाइट किया गया था, तो हम लोग वहाँ के लिए रेडी हो रहे थे. मैं ऑलरेडी नहा चुकी थी एंड इतने मैंने समर की मालिश कर दी थी कि थोड़ी देर ये घूमेगा तो ऑयल इसकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर मैंने इसको नहला दिया. आजकल ना ये आराम से कपड़े नहीं पहनता, आई डोंट नो, इसको मतलब बहुत इरिटेशन होती है. इसको ऐसा लगता है कि ना मैं इसको ऐसे ही घुमाती रहूँ बिना कपड़े पहनाए हुए. तो समर यहाँ रेडी हो चुका था एंड बस मुझे चेंज करना था, फिर हमें निकलना था. हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे बिकॉज़ बुलाया गया था 10 o'clock एंड यहाँ पर टाइम हो चुका था 10:40. तो हम लोग गए फटाफट एंड घर की हालत आप देख सकते हैं कि कैसा हो रखा था. मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी बिकॉज़ वहाँ पर हम लेट हो रहे थे. और यहाँ हम लोग आ गए थे, ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है. ये एक गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है, एज़ आपको पता होगा, वहाँ की आंगनवाड़ी है, तो वहाँ पे आज कुछ फंक्शन था, वो पोषण दिवस वगैरह बना रहे थे, तो हम लोग वहाँ गए. तो जैसे ही मैं घर पहुँची, पापा ने एक बहुत बड़ी हेल्प की मेरे लिए, वो थी कि उन्होंने सारे फ़ैन्स क्लीन कर दिए थे. एक्चुअली मुझे ना फ़ैन्स क्लीन करने में ना बहुत आलस आता है, बाकी सब तो मुझे थोड़ा इजी लगता है, लाइक अ फ्रिज एंड ऑल क्लीन करना, बट फैंस पे स्टेयर्स पे चढ़ना एंड फिर उसको क्लीन करना ना, तो बहुत स्केरी सा काम लगता है मुझे. तो पापा ने बहुत बड़ी हेल्प की मेरे लिए. एंड यहाँ पर मेरा मिंत्रा का ऑर्डर था, ये रिसीव हो चुका था, तो मुझे लगा कि थोड़ा मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं आपके सामने. कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं है, लाउंज पैंट्स मंगवाई थी मैंने जॉकी की, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहती है. एंड एक्चुअली मैं जब पंचकुला से आ रही थी तो मेरे जो मेन कपड़े थे वो वहीं पर रह गए थे, क्योंकि उस दिन सुबह मॉर्निंग ना समर बहुत तेज़ रोने लग गया था, तो मेरी जितनी पैकिंग हो पाई थी मैं उतने ही क्लोथ्स ले आई थी एंड बाकी जो मतलब नाइट वेयर्स थे वो वहीं पर रह गए. एंड ये ना बहुत कंफर्टेबल रहती है एंड स्टफ़ भी बहुत अच्छा था इसका, बहुत ही लाइट स्टफ़ है. तो मैंने ये दो ऑर्डर की थी मिंत्रा से एंड दोनों ही मतलब मुझे फ़िट आई हैं और बहुत अच्छा स्टफ़ रहता है एंड रात को भी आप पहन के या फिर बाहर भी जा सकते हैं, तो बहुत कम्फर्टेबल रहती है. एंड समर इधर उधर घूम रहा था साइड में, और क्योंकि अधीरा थी नहीं घर पे, अधीरा अपनी ट्यूशन गई हुई है, तो समर को कुछ मिल नहीं रहा शरारत करने के लिए. और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, मम्मी ऑफिस गए हुए थे कि मम्मा ऑफिस से आएं, तो यहाँ आ चुके थे मौसी जी एंड फिर हम लग गए थे थोड़ी बहुत घर की इधर उधर की बातें करने. तो यहाँ बैठकर हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे एंड यहाँ पर पापा थोड़े बहुत सामान लेके आए थे किचन का, वो मैं देख रही थी कि कैसा है. और एक्चुअली मैंने किचन क्लोथ्स मंगवाए थे पापा से, क्योंकि ना ख़राब हो रहे थे और कुछ कुछ ना फट गए थे, तो ये सही थे. ये स्कॉच ब्राइट के थे, माइक्रो फाइबर क्लोथ्स, ये बहुत अच्छे होते हैं, लाइक स्लैब्स या फिर अगर आप अपना बर्नर भी क्लीन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उससे ना क्लीन हो जाता है. बाकी जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कॉटन वगैरह के, तो उनके थोड़े थोड़े रेशे ना उसके ऊपर रह जाते हैं, जिससे ना वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते. एंड समर यहाँ शरारत कर रहा था, और इस स्कूटी का मुझे इतना डर लगता है कि ये ना यहाँ से नीचे ना गिर जाए, बट आजकल ना ये इससे ना आराम से उतरने लग गया. अब इसको ना पता लग गया कि कैसे उतरना है यहाँ से. तो हम वेट कर रहे थे मम्मी का एंड मम्मी भी ऑफिस से आ चुके थे, तो इसी बीच मैंने थोड़ी बहुत अपनी ऑयलिंग भी कर ली थी. आप देख सकते हैं कि मैंने चोटी बना रखी है. एंड सबको चाय पीनी थी सौंफ वाली, तो मैंने यहाँ पर सबके लिए चाय बना दी. एज़ यू नो इंडियन फैमिलीज़ में चाय इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी एंड कॉफ़ी वगैरह तो कोई पीता नहीं है ज़्यादा. तो यहाँ सबके लिए मैंने चाय बना रही थी और बच्चे ऑलरेडी अपना दूध पी चुके थे एंड फिर मैंने उनके लिए थोड़े बहुत मौसमी रखे थे, वो काट दिए थे, क्योंकि ये रहता है कि अगर कोई चीज़ ना पड़ी रहती है तो फिर वो ख़राब हो जाती है. अगर कट करके दे दो तो बच्चे खा लेते हैं खेलते कूदते,
तो यहाँ पर वो दोनों छत पे चले गए थे, समर और अधीरा, और यहाँ मैंने उनके लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे, बनाना वगैरह तो वो ऑलरेडी खा चुके थे। समर खेल रहा था, मैं इस रूम को थोड़ी देर पहले इतना अच्छे से सेट करके गई थी, बट समर ने ना यहाँ नीचे पूरे रूम में एक तो पानी फैला दिया था, और बेड पे देख सकते हैं आपने सारे खिलौने ये इधर उधर गिरा रखे थे, और ये मैंने उठाकर ऊपर रखे हैं अभी। तो यहाँ हो चुकी है डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आटा गूंद दिया, एंड आज जो सब्जी थी वो मौसी ने बना ली थी ऑलरेडी छत पे, और आपको पता होगा काफ़ी दिन से हम लोग ना छत पे ही खाना बनाते हैं शाम को, एंड मैं उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाती बिकॉज़ रोज़ रोज़ अगर मैं दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैंने पहले उसकी वीडियो अपलोड की थी काफ़ी दिन पहले, और एक्चुअली हम काफ़ी दिन से वहीं पर बना रहे हैं खाना, और मेरी ड्यूटी होती है कि मैं चपाती वगैरह बना दूँ, और मौसी ऑलरेडी सब्जी बना चुके थे, और मम्मी इधर उधर जो बाकी काम होते हैं दूध वगैरह लेके आना वो लेके आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पास से ही दूध लेके आते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही घर है उनसे। एंड यहाँ पर मैंने बच्चे अपने फ्रूट्स खा चुके थे, और मैं यहाँ पर बस आटा लगा रही थी कि इसकी हम चपाती बना लेंगे। और मेरे बाल ना थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, तो मैंने इनकी ऑयलिंग भी कर ली थी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस जाऊँगी ना तो थोड़ी मैं स्मूथनिंग वगैरह करवाऊँ, बिकॉज़ ऐसे मुझे ना बहुत रफ़ लग रहे हैं, और यहाँ पे आई डोंट नो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ब्राउनिश से हो रखे हैं बाल। तो यही प्लान किया है अभी मैंने कि मैं वहाँ जाऊँगी ना तब मैं स्मूथनिंग करवाऊँगी अपने बालों की। और यहाँ पर आटा मैं गूंद चुकी थी, और किचन मैं ऑलरेडी क्लीन कर दी थी पहले, बट यही है कि बाद में अगर हम खाना वगैरह खाते हैं एक बार उसके बाद भी हमें किचन क्लीन करनी पड़ती है। तो ये आटा लग चुका था, एंड बस मुझे अब छत पे मैं लेके जाऊंगी ये सारा सामान। तो आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।